हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद की। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर्म। मतलब आप सबको गाइड कर रहे हो, आप सबको यहाँ बता रहे हो, है ना? तो आप गाइड करके और देख के बनाओ उसके अंदर क्या बनाना क्या चाह रहे हो सब। यहाँ पे हम D8 का डायग्नोस करने जा रहे हैं। तो D9 बना ले, पर D9 पे D8 एक ये ना आता, उसमें दूसरी कमांड नहीं आती उसमें, तो D9 बना ले, सब लाइन एक सारी की होगी। सर क्या है कि वो D9 को अभी मैं डायग्नोस नहीं किया हूँ और D8 को काफ़ी तरीके से होगी। D8 ये मेरी D8 लाइट आईसी है। इसको हम बताना चाहें, यहाँ से पहले तो हम BPS चेक करेंगे। BPS से 4 वोल्टेज देंगे, यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 4 वोल्टेज इन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे एक क्वाइल होगा और क्वाइल पे भी 4 वोल्टेज चेक करेंगे कि यहाँ पे 4 वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके क्वाइल के जस्ट बाद जस्ट बाद वाले पॉइंट पे वहाँ पे भी चेक करेंगे यहाँ पे 4 वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि नहीं आ रहा है तो फिर कॉइल को चेंज करेंगे, यदि आ रहा है तो फिर यहाँ पे फिर आ रहा है तो उसको दूसरे पॉइंट यानी कि स्विचिंग जो D3 है यहाँ पे चेक करेंगे। यदि यहाँ पे भी सही है तो फिर आप यहाँ पे एक डायोड लगा होगा, अच्छा, डायोड को चेक करेंगे। अच्छा, अगर इस आईसी को चेक करना होगा हम DSO की मदद से कहाँ पे लगाएंगे इसको? यहाँ पे ये जो डायोड कॉइल का ये जो सिरा है पॉइंट, यहाँ पे DSO मशीन लगा के हम चेक कर सकते हैं कि आईसी सही है क्या नहीं है। उसके जस्ट बाद यहाँ पे एक डायोड लगा होगा, यहाँ पे हम चेक करेंगे कि 4 वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद ये ऑफ कंडीशन में फिर यहाँ भी चेक करेंगे कि 4 वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 4 वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर ऑफ कंडीशन में यहाँ पे लेड के एनोड पॉइंट पे चेक करेंगे 4 वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। LED एक लाइन हमारे पास जैसे ही मोबाइल आया लाइट नहीं आ रहा तो हम कनेक्टर पे सबसे पहले 4 वोल्ट चेक कर लें, अगर 4 वोल्ट सही है तो हमारा क्या सही है, सारा सेक्शन सही है, सारा सेक्शन सही है। समझ में आ रहा है? हम सीधे कहाँ चेक कर लेंगे? यहाँ LED के एनोड कनेक्टर पे, LED ये पे है ना। उसके बाद सेट को ऑन करेंगे, सेट ऑन करने के बाद यदि लाइट नहीं बन रहा है तो फिर हम चेक करेंगे EN कि CPU से उसको 1.8 वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं। कैसे मालूम पड़ेगा? क्या हम LCD को देखेंगे? हमको कैसे मालूम पड़ेगा? हम सर देखेंगे कि हमको बूस्ट वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर बूस्ट वोल्टेज नहीं बन रहा है तब इसको चेक करेंगे। तो फिर कितना आना चाहिए जैसे EN चेक करो आप आईसी का, जब EN वोल्टेज चेक कर रहे हैं तो वहाँ पे चेक करेंगे 1.8 वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि आ रहा है तो फिर यहाँ पे SDA और SCL होता है। ये कौन सी लाइन होती है हमारी? बेसिकली कमांड लाइन होती है, कमांड लाइन होती है। ये हमारी कमांड लाइन होती है। और उसके बाद ये PWM, ये जो PWM है ये तो कनेक्टर डिस्प्ले कनेक्टर, हम कनेक्टिविटी चेक करेंगे हमारी आईसी की पैड से इसकी कनेक्टिविटी है कि नहीं है, है ना। यस सर। उसके बाद ये आपका LED K1 की लाइन है और फिर ये LED K2 की लाइन है। अच्छा, हमको इस पर GR भी चेक करना 300 से 300 GR भी आएगी। यस सर, ठीक है। और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पिन कौन सी हमारी D2 OVP यहाँ हमारे हाई वोल्टेज क्या करती है? कंट्रोल करती है। इसका एक लगाम का काम है ना। यस सर। चलिए क्लियर है आपको? चलिए ठीक है। आपका ग्राफिक्स नहीं बन रहा तो आपको किन-किन आईसी की जरूरत पड़ेगी? सर पावर आईसी की, डीसी टू डीसी आईसी की और ग्राफिक्स आईसी की और सर सीपीयू की। अब ये बताइए मेरे को कि एक डिस्प्ले को एक्टिव करने के लिए एक्टिव वोल्टेज कौन कौन से लगते हैं हमको? सर एक्टिव वोल्टेज SCL नहीं, जो कनेक्टर पे आएंगे हमारे -5 +5 कौन-कौन से आएंगे? -5 +5 सर +5। और ये जो 1.8 रहेगा ये आपका ऑलवेज ऑन रहेगा। क्या रहेगा? 1.8 ऑलवेज ऑन रहेगा। आप चार्जर इंसर्ट करोगे और ये ऑन रहेगा, ऑन सेट पे आएगा, है ना। आप जैसे ही लगाओगे वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब ग्राफिक्स आईसी के लिए हमको बेसिकली कितनी एक सीपीयू की जरूरत होती है, एक पावर की जरूरत होती है, एक डीसी आईसी की जरूरत होती है और ग्राफिक्स की जरूरत होती है। ग्राफिक्स आईसी हम इसलिए लगाते हैं कि हमको 1.8 मिल जाए, ठीक है। अब आपका सीपीयू का जो आपका बेसिकली डिस्प्ले कनेक्टर पे हमको 3 एक्टिव लाइन चाहिए, मतलब 2 एक्टिव लाइन चाहिए और एक रेगुलर वोल्टेज चाहिए, है ना। जो ये आएगा आपका VREG वोल्टेज होगा, पावर आईसी से आएगा कौन सा वोल्टेज होगा सर? VREG वोल्टेज। अब आपको और हमको अब सीपीयू से ग्राफिक्स के लिए कौन सी लाइनें मिलेगी इसके अलावा? ऊपर सबसे पहले कौन सी ऊपर बनाई सर? मीपी की लाइन कितनी? मीपी की लाइन कितनी? ढोल वाली कितनी लगी? पांच लगी मतलब 10 लाइन लगेगी। उसके बाद कौन सा सब लाइन लगेगी? आरएसटी की सर, रीसेट की। उसके बाद आईडी के बाद टीई की, टी रेंज की, है ना। अब इसके अलावा भी बहुत सारी लाइनें हो सकती है ना, वो हमको कैसे मालूम पड़ेगा? डायग्राम से मालूम पड़ेगा हमको, है ना। डायग्राम से मालूम होगा। बेसिकली हमको इतनी चीजों का हमको रिक्वायर्ड है ना। अगर ये आपके 5 वोल्ट भी मिलते हैं, -5 भी मिलते हैं, +5 भी मिलते हैं और 1.8 भी मिलता है, तो फिर इसके बाद क्या करोगे आप सर? आईसी को, कौन सी आईसी को सर? ग्राफिक आईसी। नहीं, -5 वोल्ट मिल रहे हैं और +5 वोल्ट मिल रहे हैं। उसके बाद आप किस पे काम करोगे सर? सीपीयू पे। सीपीयू को खोल के रिवॉल्व करोगे और इसके बड़े डायग्राम से देखोगे मेरी लाइन कौन सी मिस है, है ना। मेरे डिस्प्ले कनेक्टर पे मेरे को कहां से ऑयल मिल रहा है। ठीक है सर, क्लियर है? यस सर, चलिए ठीक। अभी सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? पाँच ही आता है ये Vbus का ही मतलब छपकिया दोबारा निभाता है ना, BQ सर्किट पूरा छपकिया ठीक है। चलो मेरा थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, एक नंबर से एक्सप्लेन करो OVP। सर ये हमारा VQ सर्किट है जिसका कि आप जानते हैं, ये जब भी हम चार्जिंग को लगाते हैं तो चार्जिंग कनेक्टर से हमारा वोल्ट 5 वोल्ट जो रहता है वो पहले OVP IC पे जाता है। OVP IC के थ्रू एक कैपेसिटर लगा रहता है जो प्रोटेक्शन के लिए रहता है, वो 5 वोल्ट निकल के हमारे VQ IC के फर्स्ट नंबर के पॉइंट पर आता है जिसे हम Vbus लाइन कहते हैं। ये Vbus पर आने के बाद यही लाइन हमारे IC के 24 नंबर पिन पर भी जाती है Vbus की लाइन। सेकेंड है हमारा पावर सिलेक्ट, ये पावर सेलेक्ट 5 वोल्ट बनाता है जब इसको Vbus मिल जाता है। ये 5 वोल्ट हमारा एक रजिस्टर के थ्रू होते हुए आईसी की 22 नंबर की पिन पे आता है जिसे हम रीजन के नाम से बुलाते हैं। ये 5 वोल्ट यहाँ रहता है और यही सिरा एक HVR रजिस्टर के थ्रू TS थर्मल सेंस की लाइन पर जाता है जो कि आईसी की 11 नंबर की लाइन है। अगर ये रजिस्टर ओपन हो जाता है तो हमें टेम्परेचर का एरर भी आ सकता है। और फिर है पावर गुड, इस पर 1.8 वोल्ट आते हैं और चौथे नंबर के पिन को कहते हैं स्टेट्स। ये हमें स्टेटस इंडिकेट करती है कि डिस्प्ले पे कितना % बैटरी चार्ज है या कितना % होने वाला है। और फिर आती है हमारे CPU से लाइन SCL और SDA, और इंटरप्ट की लाइन भी हमारे CPU से आती है और इस पर 1.8 वोल्टेज हमें मिलते हैं। 1.8 कहाँ से मिलता है? ये पावर IC से मिलता है सर, एक पुल अप रजिस्टर के थ्रू पावर IC से 1.8 वोल्ट मिलते हैं और CPU से फ्रीक्वेंसी मिलती है। हाँ सर HVR रजिस्टर लगा रहता है पुल अप रजिस्टर, उससे 1.8 मिलते हैं और फ्रीक्वेंसी हमें CPU से मिलती है, इसे हम DSO से भी नाप सकते हैं। और सर 8वें नंबर की पिन हमारी नॉट कनेक्टेड रहती है NC, और 9वें नंबर की पिन हमारी चार्जिंग इनेबल की रहती है जो एक रजिस्टर के थ्रू ग्राउंड की हुई रहती है प्रोटेक्शन के लिए। और 10वें नंबर की पिन भी हमारी NC रहती है। 11वें नंबर की पिन हमारी थर्मल सेंसर रहती है जो कि हमारी पावर सिलेक्टर से कनेक्टेड रहती है। अगर ये रजिस्टर में कोई खराबी आ जाएगी, रजिस्टर की वैल्यू चेंज होगी तो कौन सा फॉल्ट आएगा? सर ये वाला सर टेम्परेचर का है, TS वाला ना, हाँ TS वाला, ये जो रजिस्टर है HVR रजिस्टर, अगर ये निकल जाएगा तो टेम्परेचर का एरर आ सकता है। और सर 12वें नंबर की पिन हमारी पावर की से जुड़ी रहती है कुछ फ़ोनों में, और कुछ फ़ोनों में नॉट कनेक्टेड रहती है, इससे चार्जिंग का कोई लेना देना नहीं है। और 13-14 नंबर की पिन पर हमें आउटपुट मिलता है जो कि VPad बनता है। और VPad कब आएगा हमारा? जब सर ये Vbus चार्जिंग पूरी इन हो जाएगी और उसके बाद स्विचिंग हो जाएगी सर। और क्या लगी होना चाहिए? चार्ज IC बैटरी, हाँ बैटरी लगी होना चाहिए तो होना चाहिए। हाँ बैटरी अगर लगा हुआ नहीं रहेगा तो ये आउटपुट जो बनेगा वो फ्लक्चुएट करेगा वोल्टेज, और अगर बैटरी लगा रहेगा तो स्टेबल हो जाएगा ठीक है। और ये हमारी VPS से जुड़ी रहती है जो कि DC टू DC लाइन कहाँ जाती है? ये VPS सर सभी सेक्शनों में जाती है, जो कि ये VPS लाइन DC टू DC IC बनाता है जो कि सभी सेक्शन को इनेबल ऑल सेक्शन। जैसे उदाहरण के लिए पावर हुआ, लाइट IC हुआ, ग्राफिक हुआ, सभी सेक्शन को जितने भी IC रहती है उनको इनेबल करने के लिए सबसे पहले VPS लाइन का होना जरूरी है। और सर 17 और 18 नंबर की पिन हमारी ग्राउंड से जुड़ी रहती है। 19 और 20 नंबर की पिन हमारी स्विचिंग के लिए काम आती है, यहाँ पर फाइल लगा रहता है। तो हम यहाँ पर DSO लगा सकते हैं क्या स्विचिंग पे? हाँ सर स्विचिंग पे DSO लगा के हम पल्स चेक कर सकते हैं स्विचिंग हमारी IC कर रही है या नहीं कर रही है। 22 नंबर की पिन बूस्ट कैपेसिटर से जुड़ी रहती है। ये कैपेसिटर का होना जरूरी है क्योंकि ये कैपेसिटर एक सिरे पर 8 वोल्ट बनाता है और एक सिरे पर इसके 4 वोल्ट रहते हैं। ये एक लाइन इसकी स्विचिंग से जुड़ी रहती है। अगर ये कैपेसिटर में अगर कोई दिक्कत आ गई या स्विचिंग नहीं करा तो कौन सा फॉल्ट आएगा आपको? फेक चार्जिंग आ सकता है, बैटरी नॉट स्टोर है ना, बैटरी नॉट स्टोर, हाँ आपकी स्टोरिंग नहीं करेगा, स्टोर नहीं करेगा। और 22 नंबर की पिन रीजन से जुड़ी रहती है जो कि 2 नंबर की पिन से जुड़ी रहती है IC के, इस पर 5 वोल्ट आते हैं। और ये थर्मल सेंस की लाइन पर हमें यहाँ पर क्योंकि एक HVR जुड़ा है तो यहाँ पर 2.5 वोल्ट ही आएगा, यहाँ पर हमको 2.5 वोल्ट। हाँ थर्मल सेंस 11 नंबर पर केवल 2.5 वोल्ट मिलेगा। और ये 23 नंबर की पिन MID की होती है जिस पर हमें 5 वोल्ट मिलता है जब Vbus मिल जाता है। एक्सप्लेन करवाया। अब थोड़ा एक्सप्लेन पीछे होगा कैमरे की तरफ देखते हो, इधर इधर कैमरे की। सबसे पहले यदि हम लोग पास कोई सबसे पहले यदि हम लोग पास कोई सेट आता है तो उसका पहले हम सेट को ऑन करेंगे। सेट ऑन करने के बाद यहाँ पे बीपीएस चेक करेंगे कि रिंगर आईसी को मिल रहा है कि नहीं। और यहाँ पे सबसे पहले हम रिंगर आईसी पे कितना वोल्ट चेक करेंगे। रिंगर आईसी पे जो इन होता है 4 वोल्टेज चेक करेंगे। फिर सेकंड अपना स्टेप क्या होगी, ईएन। सेकंड स्टेप ये होगा कि हम लोग सॉन्ग प्ले करके उसकी जो ईएन वोल्टेज आती है उसको चेक करेंगे। उस पर 1.8 वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। उसके बाद थर्ड पे आपको 2 से 3 वोल्ट कहाँ मिलना चाहिए। 2 से 3 वोल्टेज सर स्पीकर जीरो का रजिस्टर लगा जीरो यहाँ पे आपका यहाँ पे 0.6 से नहीं 2 से 3 वोल्ट 2 से 3 वोल्ट कितना मिलना चाहिए आपको 2 से 3 वोल्टेज 3 वोल्ट मिलना चाहिए। 2 से 3 के बीच में डंडा इधर भी इतना मिलना चाहिए। दूसरी यस सर, यहाँ पे भी आपका 2 से 3 वोल्टेज मिलना चाहिए। ठीक है, 4 से 3 वोल्ट हमको यहाँ से मिलना चाहिए। और अगर हमको 2 से 3 वोल्ट नहीं मिलते तो इसके बाद क्या, अगर नहीं मिलते तो किसकी खराबी है ये सर। ये आपकी रिंगर आईसी को रिप्लेस करेंगे। अगर हमको ईएन भी मिल रहा है, हमारी सीडीसी की लाइन भी ओके है, अगर इसके बाद भी नहीं मिलता है हमको तो हम किसको रिप्लेस करेंगे, रिंगर आईसी को रिप्लेस करेंगे। सबको समझ में आया। बीपीएस 4 वोल्टेज पे भी डालो 4 के सामने पीछे। हाँ वो भी चलिए ठीक है। एक बार इससे परमेश्वर अभी तक कोई YouTube में नहीं बताया होगा। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? उसका सीपीयू निकालना है। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका CPU निकालने वाले हैं। सबसे नंबर वाली सीपीयू